तो आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक फर्स्ट का एमसीक्यू। बिजनेस इकोनॉमिक्स फर्स्ट में सबसे पहला एमसीक्यू, इधर देखिए सभी लोग, पहला एमसीक्यू है इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच डील्स विद, तो अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो डील करता है किससे किससे, ह्यूमन वॉन्ट्स यानी मानव की जरूरतें, आवश्यकताएं और संसाधन। मैंने आपको डिफिनीशन बताए थे, अलग अलग डिफिनीशन थे, वेल्थ डिफिनीशन था, स्कैसिटी डिफिनीशन था। तो मैंने आपको बताया था कि मेन कंसर्न क्या है इकोनॉमिक्स का, कि जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करें और मैक्सिमम ह्यूमन वॉन्ट्स को कैसे सेटिस्फाई करें। तो दोनों चीजें यहाँ पे कवर हो रही है। मैक्रो स्टडी इज अ स्टडी ऑफ, तो मैंने आपको बताया था कि मैक्रो में क्या है, ए है, और माइक्रो में क्या है, तो आई फॉर इंडिविजुअल की स्टडी करता है और मैक्रो ए फॉर एग्रीगेट की स्टडी करता है। एग्रीगेट मतलब जैसे नेशनल इनकम की स्टडी करना, जैसे हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट की स्टडी करना, ये सब कुछ क्या हो जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो किसकी स्टडी करेगा, एग्रीगेट वेरिएबल्स की। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल हो जाएगा। अच्छा, इंडिविजुअल में क्या आता है, इंडिविजुअल में आता है आपका फॉर्म, हाँ, डिमांड आ जाता है, सप्लाई, और क्या क्या पढ़े हो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो पढ़ रहे हो तुम लोग, बिजनेस इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स है, क्या क्या पढ़े हो चैप्टर में, डिमांड पढ़े हो, सप्लाई पढ़े हो, और क्या पढ़े हो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और क्या पढ़े हो, प्रोडक्शन कॉस्ट, रेवेन्यू की भी चर्चा करनी थी लेकिन हो नहीं पाई थी, कोई बात नहीं, रेवेन्यू पढ़े, और क्या पढ़े थे, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, तो सब का सब क्या है, इंडिविजुअल स्टडी है। कहाँ कवर होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में कवर होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर डैश मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉन। अगर आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज हैं, दो आपके पास अवसर हैं, तो उसमें से अगर आप एक चुनते हैं तो दूसरा वाला छोड़ देते हैं, दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसका हो जाएगा नेवर ही हो जाएगा, ठीक है, कैन नेवर बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, उसका हो जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यही डिफिनेशन मैंने आपको बताया था। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्स। जैसे मान लीजिए आपके पास एक रिसोर्स है, जैसे मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपया है, ठीक है, अब इस 10 लाख रुपया से आप दो बिजनेस कर सकते हैं, एक मान लीजिए आपको टेक्सटाइल बिजनेस में जाना है और एक है आपके पास बिजनेस ऑयल इंडस्ट्री का, तेल का बिजनेस। अब भाई 10 लाख रुपया है, इसको कहाँ यूज करेंगे, दोनों में से किसी एक ही जगह यूज करेंगे, अगर टेक्सटाइल में यूज करेंगे तो ऑयल में यूज नहीं करेंगे, तो क्या होगी इसकी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन है, डैश इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, तो भाई बिजनेस इकोनॉमिक्स वही हमारा सब्जेक्ट भी है, बिजनेस इकोनॉमिक्स किससे डील करता है, बिजनेस से डील करता है, उसका हो जाएगा व्यापार अर्थशास्त्र व्यावसायिक उद्यमों के कामकाज पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 7, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स फॉलोइंग पॉइंट्स एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, के सिवाय, मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर में सब कुछ आते हैं एक को छोड़ के, तो पॉपुलेशन पॉलिसी नहीं आता है, मार्केट स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, हमने प्रोडक्शन कॉस्ट पढ़ा था, डिमांड एनालिसिस पढ़ा था, सप्लाई भी पढ़ेंगे थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या क्या है, डिमांड एनालिसिस, कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस, मार्केट स्ट्रक्चर, पॉपुलेशन पॉलिसी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, इकोनॉमिक एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, आर्थिक विश्लेषण किसके सिद्धांत पर आधारित है, कैपिटलिज्म, किसमें, कैपिटलिज्म। भाई देखिए इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और हमारा मकसद होता है बिजनेस करके मैक्सिमम प्रॉफिट को जनरेट करना, और इस विचारधारा को हम क्या कहते हैं, कैपिटलिज्म यानी पूंजीवादी विचारधारा, तो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, डैश स्पेसिफाइज द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इनडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इसका हो जाएगा इक्वेशन, इक्वेशन में डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश किया जाता है, यानी गणितीय संबंध को स्थापित किया जाता है, इक्वेशन आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन वगैरह 9th-10th में था। क्वेश्चन नंबर 10, एज पर लॉ ऑफ डिमांड, आराम से चलिए, डिमांड एंड प्राइस ऑफ अ गुड आर इनवर्सली रिलेटेड, जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है, और जब प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ता है। अच्छा, उल्टा देखा जाए
अगर डिमांड बढ़ रहा है तो प्राइस क्या होगा, मतलब डिमांड के साथ प्राइस का संबंध देखें उल्टा, तो दोनों का संबंध कैसा है, पॉजिटिव है। लेकिन अगर प्राइस के साथ देखें तो प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा, कम होगा। मतलब यहाँ पे इन्वर्स संबंध है और यहाँ पे पॉजिटिव संबंध। आपके सिलेबस में क्या है, इन्वर्सली है, ठीक है, इन्वर्सली कह लीजिए या फिर नेगेटिव भी कह सकते हैं, ठीक है, विद क्रमानुपाती, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। लॉ ऑफ सप्लाई, तो भाई मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है प्रोड्यूसर सप्लाई बढ़ाता है, क्योंकि प्राइस बढ़ता है तो क्या बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो कोई भी प्रोड्यूसर प्रॉफिट कमाना चाहता है तो सप्लाई ज्यादा करेगा। तो लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि प्राइस और गुड्स के बीच में कैसा संबंध है, पॉजिटिव है, यानी सकारात्मक संबंध है। क्वेश्चन नंबर 12, मूवमेंट इन डिमांड आर, तो मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार के चेंज होते हैं डिमांड में, एक होता है शिफ्ट इन डिमांड और एक होता है मूवमेंट इन डिमांड। तो दो अलग अलग होते हैं ना, शिफ्ट इन डिमांड अलग होता है, शिफ्ट इन डिमांड क्यों होता है, ड्यू टू नॉन प्राइस फैक्टर्स। उसमें क्या क्या आता है, शिफ्ट इन डिमांड में आता है आपका चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, और क्या आता है, चेंज इन फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। लेकिन वही अगर मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट क्यों होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस। अगर प्राइस घटता है तो अपवर्ड मूवमेंट होता है, अगर प्राइस बढ़ता है तो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, क्योंकि डिमांड और प्राइस में कैसा संबंध है, उल्टा है। तो मूवमेंट और शिफ्ट क्या है, दोनों अलग अलग है ना, तो डिफरेंट हो जाएगा अलग। क्वेश्चन नंबर 13, मूवमेंट इन सप्लाई इज कॉज्ड बाय चेंजेस। तो भाई जब भी मूवमेंट होगा, चाहे डिमांड में हो या सप्लाई में हो, किसकी वजह से होगा, प्राइस की वजह से होगा। अच्छा, मूवमेंट के और नाम क्या थे, मूवमेंट को रोटेशन भी कहते हैं, मूवमेंट को चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व और रोटेशन इन डिमांड कर्व। इसका क्या हो जाएगा, प्राइस ऑफ गुड अलोन, अकेले वस्तु की कीमत की वजह से आपूर्ति में उतार चढ़ाव होता है। तो भाई शिफ्ट मैंने आपको बताया था नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से होता है। क्या आएगा नॉन प्राइस फैक्टर में, पहला क्या होगा, चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स PR, मैंने आपको बताया था। दूसरा चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, फिर मैंने आपको बताया था चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, फिर मैंने आपको बताया था फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। अगर इन सब की वजह से चेंज हो रहा है डिमांड में तो क्या होगा, शिफ्ट इन डिमांड। अच्छा, शिफ्ट कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट मींस इंक्रीज इन डिमांड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट मींस डिक्रीज इन डिमांड। अच्छा, राइटवर्ड शिफ्ट क्यों होगा, जब नॉन प्राइस फैक्टर्स में फेवरेबल चेंज होगा, क्या होगा, नॉन प्राइस फैक्टर्स में फेवरेबल चेंज होगा जो डिमांड के लिए बेनिफिशियल होगा। दूसरा लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्यों होगा, जब नॉन प्राइस फैक्टर्स में अनफेवरेबल चेंज होगा, जो चेंज हम नहीं चाहते वो होगा तो क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, और जो चेंज हम चाहते हैं हो वो होगा तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, उसको हम फेवरेबल और अनफेवरेबल फैक्टर कहते हैं। अगला है 15, डैश एक्सप्रेस द फंक्शनल रिलेशनशिप। तो भाई फंक्शनल रिलेशनशिप, फंक्शन मैंने आपको डिमांड फंक्शन पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, डी एक्स इक्वल्स टू एफ ब्रैकेट में क्या था, पी एक्स पी आर एफ वाई टी, मतलब डिमांड प्रभावित होता है इन पांच चीजों में चेंज होने की वजह से, इन पांच चीजों में फंक्शंस होने की वजह से। फंक्शंस मीन्स आप चेंज समझ सकते हैं, ठीक है। तो डिमांड क्यों प्रभावित होगा, इफ देयर इज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन, इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। 16, तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन सेम ही होता है हर पॉइंट पे। 17, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड प्राइस एंड डिमांड ऑफ फॉर अ गुड आर। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइस और डिमांड कैसे हैं, नेगेटिवली रिलेटेड, नेगेटिवली भी कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं, इन्वर्सली या फिर अपोजिटली भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मूवमेंट इन डिमांड फॉर अ गुड अकर्स ड्यू टू, मूवमेंट इन डिमांड क्यों होता है, नहीं गलत, मूवमेंट इन डिमांड होता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। अगर कमोडिटी के प्राइस में चेंज हो रहा है तो देयर विल बी चेंज इन, नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको बताया था कितनी बार, प्राइस में चेंज होगा तो क्या होगा, मूवमेंट, और नॉन प्राइस में चेंज होगा तो क्या होगा,
शिफ्ट, अभी तो बताया है शिफ्ट होता है ड्यू टू चेंज इन नॉन प्राइस फैक्टर, और मूवमेंट होता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस फैक्टर। मूवमेंट कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन सा? डाउनवर्ड, अपवर्ड। डाउनवर्ड क्यों होगा? ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस एंड डिक्रीज इन डिमांड। अपवर्ड मूवमेंट क्यों होगा? ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस एंड डिक्रीज इन प्राइस एंड इंक्रीज इन डिमांड, दिस इज कॉल्ड अपवर्ड मूवमेंट। ठीक है, दैट्स इट। 19 है, एज पर लॉ ऑफ सप्लाई द सप्लाई एंड प्राइस ऑफ अ कमोडिटी क्या होगा? पॉजिटिवली रिलेटेड। डायरेक्टली कह लीजिए, डायरेक्टली कह लीजिए, पॉजिटिवली कह लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, तो आपसे डायरेक्टली भी पूछा जाए तो वही बात है, और पॉजिटिवली भी कहा जाए तो वही बात है। क्यों डायरेक्टली रिलेटेड है? क्योंकि प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ता है, क्योंकि प्रोड्यूसर का प्रॉफिट बढ़ता है। मैंने आपको बताया था कि एक होता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व और एक होता है मार्केट डिमांड कर्व। सारे इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स को जोड़ देते हो तो क्या बनता है? मार्केट डिमांड कर्व बनता है। क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड कर्व, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। सभी इंडिविजुअल डिमांड कर्व को जोड़ा जाए तो क्या आएगा? मार्केट डिमांड कर्व। ऐसे ही है मार्केट सप्लाई कर्व, तो भाई मार्केट सप्लाई कर्व किसका सम होगा? इंडिविजुअल सप्लाई कर्व का सम होगा। मतलब सारे इंडिविजुअल सप्लाई कर्व को जोड़ दे तो क्या बनेगा? मार्केट सप्लाई कर्व बनेगा। 22, द टर्म एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, मैंने ये भी आपको बताया था। डाउनवर्ड मूवमेंट अपवर्ड मूवमेंट को क्या कहते हैं? एक को कहते हैं एक्सपांशन, जब डिमांड में इंक्रीज होता है ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस, दिस इज कॉल्ड एक्सपांशन इन डिमांड। ठीक है, और अगर डिमांड में डिक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ाव, एक्सपांशन मतलब फैलाव। तो फैलाव मतलब बढ़ रहा है डिमांड, और सिकुड़ाव मतलब डिमांड कम हो रहा है। तो एक्सपांशन क्यों होगा? एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन किसके लिए यूज किया जाएगा? मूवमेंट इन डिमांड। तो तीन चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, मूवमेंट में इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड को ही एक्सपांशन कहते हैं या फिर एक्सटेंशन भी कहते हैं, और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड को कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। दैट्स इट। 23, द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ एक्स गुड इज डिराइव्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ, मैंने आपको बताया था इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है। क्या? दोनों। एक ग्राफ बनाइए, ग्राफ में डिमांड कर्व बनाइए और सप्लाई कर्व बनाइए, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। तो इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या होता है? आपकी कमोडिटी का प्राइस पता चलता है। तो ये हो जाएगा डिमांड एंड सप्लाई ऑफ वाई गुड, एक्स गुड पूछा ना, तो इसका हो जाएगा डिमांड एंड सप्लाई ऑफ एक्स गुड। मतलब एक्स गुड के जहां डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को काटेंगे, वही आपका इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाएगा। 23 हो गया। 24, जब टोटल रेवेन्यू राइज होता है इंक्रीजिंग रेट से, तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा? मैंने आपको टीपीएमसी के विषय में रिलेशनशिप बताया था, टीयूएमयू और टीपीएमपी। टीपीएमपी में क्या था कि टीपी अगर बढ़ता है तो एमपी भी बढ़ता है, टीयू अगर बढ़ता है तो एमयू भी बढ़ता है, वैसे ही टीआर अगर बढ़ेगा तो एमआर भी क्या होगा? बढ़ेगा ही भाई। इसका हो जाएगा इंक्रीजिंग, मतलब राइजेस। राइज मतलब क्या होता है? बढ़ना। 25, व्हेन टोटल रेवेन्यू राइजेस एट डिमिनिशिंग रेट, डिमिनिशिंग रेट मतलब बढ़ तो रहा है लेकिन घटते हुए बढ़ रहा है, तो एमयू क्या होगा? एमआर क्या होगा? गिरेगा। वहां इंक्रीजिंग रेट से था ना, या डिमिनिशिंग रेट से है, तो एमआर क्या होगा? फॉल होगा, मतलब गिरेगा। दैट्स इट। ये थे आपके 25 क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। हमने आज 50 क्वेश्चन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के और 25 क्वेश्चन आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स फर्स्ट डिस्कस कर लिए हैं। कल हम लोग डिस्कस करेंगे 25 या 30 क्वेश्चन बिजनेस इकोनॉमिक्स फर्स्ट के, और कुछ क्वेश्चन बिजनेस इकोनॉमिक्स सेकंड के, और परसों एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स भी स्टार्ट कर देंगे। बाकी कल टेस्ट है, याद रहे, टेस्ट में सभी लोग सारी तैयारी करके आएंगे। जिनका नोट्स कंप्लीट नहीं है, रिवाइज नहीं किया है, तो रिवाइज करके आएंगे। खैर, पनिशमेंट तो कुछ है नहीं, अगर कोई टॉप करता है तो उसको प्राइज दिया जाएगा, बाकी आपकी मर्जी, आपको पढ़ना है कि नहीं। दैट्स इट।